नेहरू और जिन्ना के चिर प्रतिद्वंदिता अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अपनी राजनीति के दम पर इन्होंने करोड़ों लोगों और उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों की तकदीर नए सिरे से लिख दी। पाश्चात्य जीवन शैली में रंगे और पेशे से वकील नेहरू और जिन्ना आज भी प्रासंगिक हैं, मगर एक नजर डालें हम उनकी जीवन संगिनियों की जीवन गाथा पर भी। जहां नेहरू और जिन्ना दो बड़े देशों के सिरमौर बन गए, उनकी पत्नियों के भाग्य में लिखी थी दुर्भाग्यपूर्ण असमय मृत्यु। वो थी कमला नेहरू और रतनबाई जिन्ना। कमला नेहरू और रतनबाई जिन्ना अत्यधिक रईस परिवारों की सुंदर लाडलियां थीं। कश्मीरी पंडितों के परिवार में जन्मी कमला के दादा पंडित किशनलाल जयपुर, जोधपुर और रीवा रियासतों में काफी उच्च पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। वहीं रतन, जिन्हें प्यार से उनके परिजन रत्ती कहते थे, देश के सबसे अमीर पारसी परिवारों में से एक से ताल्लुक रखती थी। उनके परिवार ने भारत में कॉटन मिल्स की नींव रखी थी। मगर उम्र में सिर्फ 6 महीने की छोटी बड़ी कमला और रतन का बचपन से विवाह तक का सफर बिल्कुल ही विपरीत अंदाज में पूरा हुआ। कमला को जवाहर के बड़े चचेरे भाई पंडित ब्रिजलाल और पिता पंडित मोतीलाल ने देखा और जवाहर के लिए पसंद कर लिया। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना और रतन का प्रेम विवाह किसी स्कैंडल से कम नहीं था, जिसने तत्कालीन पारसी समाज में खलबली ही मचा दी थी। 8 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर 16 साल की कमला और 26 साल के जवाहर परिणय सूत्र में बंध गए। यूं तो शुरू में जवाहर परिवार वालों की पसंद की लड़की से अरेंज मैरिज के विचार से बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थे। कैम्ब्रिज में पढ़ते हुए पश्चिमी विचारों से प्रभावित युवा जवाहर ने अपने विवाह के विषय में पिता पंडित मोतीलाल से लंबा चौड़ा पत्राचार किया था, जिससे पता चलता है कि इस विवाह में उन्हें रोमांस की सर्वथा अनुपस्थिति, कमला की कमतर शैक्षणिक योग्यता और उम्र में 10 साल के अंतर की शिकायत थी। फिर भी एक दो मुलाकातों और कार में लॉन्ग ड्राइव के बाद पंडित जवाहरलाल को कमला पसंद आ ही गई और कमला और जवाहर के बीच यह आकर्षण की भावना एक तरफा भी नहीं थी। कमला और जवाहर का यह विवाह समारोह इतना आलिशान था कि कश्मीरी पंडितों के समुदाय में यह विवाह कई सालों तक अपनी भव्यता के लिए याद किया गया। पर जिन्ना और रत्ती के प्रेम विवाह की कहानी इतनी सीधी साधी नहीं थी। इसके कई कारण हैं। एक तो जिन्ना विदुर थे। 16 साल की उम्र में उनका विवाह तो हुआ, मगर इससे पहले कि वो असल में वैवाहिक जीवन की शुरुआत करते, उससे पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया जब जिन्ना इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई कर रहे थे। इसके अलावा धार्मिक अड़चने तो थी ही। जहां जिन्ना एक मुस्लिम थे, वहीं रती एक पारसी। मगर सबसे बड़ी अड़चन थी जिन्ना और रती के बीच में उम्र का 24 सालों का बड़ा अंतर। रती को न सिर्फ अंग्रेजी शिक्षा मिली, बल्कि उनके बाहर आने जाने पर भी कभी कोई पाबंदी नहीं रही। इसलिए यह लाजमी ही था कि पाश्चात्य तरीकों में पूरी तरह से रंगी रतनबाई का व्यक्तित्व एक फैशनेबल, उदारवादी और बेबाक किशोरी के रूप में उभर कर सामने आया। मुंबई के तत्कालीन सोशलाइट सर्कल में तो रतन का ऐसा जलवा था कि लोग उन्हें फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहकर बुलाते थे। जिन्ना रतन के पिता दिनशा मानेक जी पेटिट के मित्र थे और इस कारण से जिन्ना का रतन के आलिशान घर में आना जाना होता था। बस इन्हीं मुलाकातों के बीच जब जिन्ना दार्जिलिंग में पेटिट परिवार के साथ छुट्टियां मना रहे थे, तब जिन्ना और रतन एक दूसरे से आकर्षित हुए। कुछ दिनों के बाद जिन्ना ने खुद से मात्र 3 वर्ष बड़े दिनशा मानेक जी पेटिट से उनकी बेटी रतन से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर जाहिर तौर पर दिनशा पेटिट आग बबूला हो गए। बहरहाल अगले 2 सालों तक जिन्ना और रतन का प्रेम संबंध छुप छुप कर मिलते हुए और एक दूसरे को पत्र लिखकर चलता रहा। अपनी 18वीं सालगिरह पर होटल ताज में दी गई शानदार पार्टी में बिल्कुल बॉलीवुडिया अंदाज में रतन ने जिन्ना से शादी करने की इच्छा सरेआम जाहिर कर दी। अपना धर्म परिवर्तन कर रतन ने जिन्ना के साथ निकाह कर लिया, जिससे पूरा पारसी समाज सकते में आ गया और 18 साल की युवती रतन को पारसी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। बहरहाल रतन बाई का विवाहोपरांत जीवन अगर निराशा और उपेक्षा इन 2 शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है, तो कमला नेहरू का वैवाहिक जीवन संतोष और त्याग के बीच
सिमट कर रह गया। अंग्रेजी तौर तरीकों वाले वकीलों के अमीर परिवार में समन्वय बैठाने में कमला को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जवाहर भी कम शिक्षा के कारण कमला को कमतर आंकते थे। इस कारण कमला और जवाहर को भी एक दूसरे को पूरी तरह से समझने में सालों लग गए। फिर भी दृढ़ निश्चयी कमला अपने पति और ससुर पंडित मोतीलाल से ज्यादा महात्मा गांधी से प्रभावित थी, और जवाहर और पंडित मोतीलाल के स्वदेशी अपनाने के फैसले में कमला का बड़ा योगदान था। कमला खुद भी स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहती थी, मगर घर की जिम्मेदारियों और उनका नाजुक स्वास्थ्य इसमें अवरोध खड़ा कर देते थे। 1917 में कमला नेहरू ने इंदिरा को जन्म दिया। 1925 में कमला नेहरू ने गर्भधारण के 7वें महीने में ही एक लड़के को जन्म दिया, जो दुर्भाग्यवश 2 दिनों में ही चल बसा। वहीं 1928 में गर्भधारण के 3रे महीने में ही उनका गर्भपात हो गया। इंदिरा के जन्म से ही कमला लगातार बीमार रहने लगी। 1919 में डॉक्टरों ने उन्हें तपैदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित बताया। कमला स्वास्थ्य लाभ के लिए लगातार यूरोपीय देशों में समय बिताने लगी, पर वो असल में भारत की आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनी रहना चाहती थी और साथ ही पंडित जवाहरलाल के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी। अपनी अदम्य सहन शक्ति का परिचय देते हुए कमला ने जितना हो सकता था उससे कहीं ज्यादा किया। वो इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्ष भी चुनी गई। एक बार तो इलाहाबाद के किसी कॉलेज के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए वे मूर्छित भी हो गईं और उनकी मदद के लिए आगे आए फिरोज गांधी। यही उनका परिचय फिरोज गांधी से हुआ, जिनका कालांतर में विवाह इंदिरा से हुआ। मगर 1930 के बाद उनका ज्यादा समय बीमारी से जूझने में बीतने लगा। वहीं जवाहर भी कमला का ख्याल रखने से ज्यादा राजनीति में ही फंस कर रह गए। जहां समय बीतने के साथ कमला और जवाहरलाल नेहरू के संबंध प्रगाढ़ होते चले गए, वहीं जिन्ना और रत्ती के साथ इसका ठीक उल्टा हुआ। जिन्ना के मुंबई के मलाबार हिल के शानदार बंगले में रत्ती और जिन्ना के वैवाहिक जीवन का पहला साल हंसी खुशी में गुजर गया। मगर 1919 में जिन्ना और रत्ती के जीवन में उनकी बेटी दीना आ गई। जिन्ना की रत्ती से ये अपेक्षा थी कि वो माँ की भूमिका जिम्मेदारी से निभाएं। जबकि 19 साल की रत्ती अभी भी जिंदगी उसी पुराने बेफिक्री के अंदाज में जीना चाहती थी। अनुभवहीन किशोरी रत्ती को नवजात बच्ची के साथ छोड़ जिन्ना अपनी वकालत और राजनीति में मशगूल हो गए। घर के नौकरों के हाथों में पली बच्ची की उपेक्षा का यह आलम था कि बच्ची का 8 साल की उम्र तक कोई नाम ही नहीं था। बच्ची ने अपनी नानी से मिलने के बाद खुद ही अपनी नानी के नाम को अपना बना लिया, दीना। इस बीच जिन्ना की बहन फातिमा भी उनके और रत्ती के साथ आकर रहने लगी। भाभी रतन और ननद फातिमा की एक दूसरे से कभी बनी ही नहीं। जिन्ना ने रतन से यह साफ कर दिया था कि अब वो रतन को वो पुरानी सैर सपाटे और ऐशो आराम की जिंदगी नहीं दे सकते थे। अपने समाज से बहिष्कृत रतन के जैसे सारे सपने टूट से गए। वो अकेली थी। अपने एकाकी जीवन में पार्टियों और शॉपिंग से उन्होंने खुद को व्यस्त रखने की और जिन्ना की गई उपेक्षा को भुलाने की काफी कोशिश की, मगर फिर भी वो अवसाद या डिप्रेशन में डूबती चली गई। अपने जीवन का आखिरी साल उन्होंने जिन्ना के साथ नहीं बल्कि अकेले ताज होटल के एक कमरे में बिताया। 19 फरवरी 1929 को रति अपने कमरे में बेहोश मिली। 20 फरवरी को रति का 29वां जन्मदिन था। इसी दिन उन्होंने बेहोशी की हालत में ही दुनिया से अलविदा कह दिया। उनकी मौत का कारण कैंसर या आंत की बीमारी बताया जाता है। यह भी दावा किया जाता है कि अपने दुखों से निजात पाने के लिए रतन ने नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। इसी तरह अकेलेपन और टीबी से जूझते हुए 1936 में स्विट्जरलैंड में कमला भी चल बसी। जिन्ना और नेहरू ने दोबारा शादी नहीं की। जहां जिन्ना सार्वजनिक जीवन में फातिमा जिन्ना के साथ नजर आते रहे, वहीं नेहरू ने इंदिरा को अपनी उत्तराधिकारी के रूप में आगे बढ़ाया। रतन और कमला के ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण जीवन ने ही शायद उनकी बेटियों इंदिरा और दीना में
विद्रोह और दृढ़ता के बीज बो दिए थे। इंदिरा ने आगे चलकर फिरोज से जवाहरलाल के विरोध के बावजूद विवाह किया। वहीं जिन्ना और फातिमा ने काफी कोशिश की कि दीना की परवरिश एक मुस्लिम के रूप में हो, मगर दीना ने भी आखिरकार अपनी मर्जी से पारसी नेविल वाडिया से विवाह कर लिया। एक बार जिन्ना ने गुस्से में दीना से पूछा, इस देश में करोड़ों मुस्लिम लड़के थे, तुम उनमें से किसी को भी पसंद कर सकती थी। इस पर दीना ने तपाक से जवाब दिया, इस देश में करोड़ों मुस्लिम लड़कियां थी, आपने मेरी माँ से ही शादी क्यों की। जिन्ना और नेहरू को जानने वाले उनकी खूबियों के बारे में बातें करते हुए नहीं थकते, मगर राष्ट्र निर्माता जिन्ना और नेहरू को जानने के साथ साथ हमें एक पति के रूप में भी उनकी अच्छाइयों और कमजोरियों को जानना जरूरी है। काला कबूतर चैनल सब्सक्राइब करें ताकि समसामयिक विषयों, विचार मंथन योग्य मुद्दों और रोचक तथ्यों पर बने हमारे वीडियोस आप तक पहुंचे जल्द से जल्द।